दिखाइए अपने को। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी असी इस वेले लाइव है उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर विखे जिथे कि एक बड़ी मंदभागी घटना घटी है। एक सिख ड्राइवर नूं पुलिस वालों मारिया कुटिया गया, उसकी दस्तार लाई गई है, जिदे करके इत्थे माहौल बहुत खराब हैगा। संगत जिहड़ी हैगी है इस पूरे क्षेत्र की इत्थे गुरुद्वारा गोल मार्केट कमेटी विच इकट्ठी हैगी है। बहुत ज़्यादा संगत विच रोश है पुलिसिया कार्रवाई नूं लैके। तो संगत नाल असीं गलबात करांगे आखिर की मसला सी, की होया। जो सानू जानकारी मिली है संगत दे उत्ते लाठीचार्ज भी किया गया पुलिस प्रशासन वालों। सो सारी गलबात असीं करांगे। अंदर गुरुद्वारा साहब दे विच भी बहुत संगत इकट्ठी हुई है। पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे भी इत्थे मध्यस्थता करन दे लई पहुंचे हैं। असीं संगत दे नाल गलबात करांगे, पुछांगे उन्हां तों आखिर की मसला सी, क्यों इन्ना माहौल बिगड़िया। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की मसला होया जिहड़ा हुणे सानू समय सुनने च आ रहा कि एक सिख ड्राइवर की दस्तार लाई गई, उन्हें मारिया कुटिया गया, तो संगत ने जिन्हें विरोध किया उन्होंने उत्ते लाठीचार्ज होया। थोड़ा जिहा तफसील नाल तुसीं दसोगे। एक ठाक ड्राइवर गड्डी लैके नो एंट्री अंदर वड़ गया, अगे सीपीओ वाले ने उन्होंने फड़ लिया, तो उन्होंने कहते बाहर निकलो, कहता भाई साहब मैं नो एंट्री में आ गया हूँ, आपको जो भी चलान काटना है कैश में चलान काट दो, गाड़ी सीज करनी है गाड़ी सीज कर दो। एक सीपीओ वाले ने उन्होंने गड्डी तो कढ़िया, उसकी पागल आती पागल आ गए, उन्होंने गाला गलच कती, तो उन्हें तलवार अपनी कढ़ी, जिन जी उन्हें तलवार कढ़ी, एक उन्हें हवाई फायर किया, एक फायर हवाई फायर कि वालों किया पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन वालों एक फायर थले किया जो छर्रे लगे जो ड्राइवर है गोली भी लगी वजी छर्रे वजन। सो संगत जी एक अज तक मेडिकल नहीं कराया गया और पुलिस वाले का मेडिकल हो गया। नहीं पुलिस वाले भी की सट लगी है, पुलिस वाले भी सट लगी, फिर जो मुंडे सिख मुंडे आए फिर उन्होंने उनका विरोध किया, तो पुलिस वाले उत्ते भी हाथा पाई। वह जो ड्राइवर छर्रे लगे गोली के, वो ड्राइवर इस वे कितने है? पुलिस अदालत, पुलिस कस्टडी के है। हाँ जी। सो संगत जी जो डेट अपडेट हैगी असं लाइव दिखा रहे हैं उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर विखे जिथे कि एक सिख ड्राइवर के नाल कुटमार हुई है, उसकी दस्तार लाई गई है पुलिस वालों प्रशासन वालों, जिदे रोष में संगत इतने इकट्ठी हुई है, तो संगत के उत्ते लाठीचार्ज भी किया गया। सो बहुत माहौल इतने इस वेले विगड़िया होया। इतने गुरुद्वारा गोल मार्केट कमेटी में आले दुआले की सारी संगत इतने इकट्ठी हुई है, पुलिस प्रशासन वालों भी कोई इतने मौजूद है? नहीं अंदर कोई नहीं है, अंदर इतने जी खाली संगत हैगी संगत हैगी जी। तो की तुहाडी मांग की हैगी, की मांग करदे हो? इहदा विरोध करना है और की करना है, गलत किया जो भी किया इन्होंने। सो संगत जी आप जी असं लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, इस जिहड़ा हंगामा होया उत्तराखंड के रुद्रपुर विखे होया, अंदर गुरुद्वारा कमेटी के संगत बहुत इकट्ठी हैगी है, उन्होंने को असं विचार लवेंगे इस जिहड़ा सारा मसला होया। भाई साहब जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की मसला सी, तुसी हैगे सी मौके ते जिहड़ा इह मौके ते तां नहीं हैगे सी, जिद्दां कि सुनिया है ते कहिंदे सी कि सरदार सिख बंदे दी पग ला के उहनूं कुट्टिया गया है, जिस तरह ते इहदे विच सारिआं दा रोश है, जो भीड़ इकट्ठी हुई है कि लाठीचार्ज भी किया गया सिख संगत, लाठीचार्ज भी किया गया है, बाकी जदों पुलिस फोर्स आ गई सी पब्लिक हावी हो रही सी तां उन्हां लाठीचार्ज भी कीता, लाठीचार्ज भी कीता। ते सुनने च इह भी आया कि उस ड्राइवर नूं गोली भी वज्जी है पैरां ते छरे छुरे लगे ने। हाँ सुनने विच आया बट कन्फर्म नहीं हैगा, कन्फर्म नहीं हैगा। सो संगत जी अंदर भी बहुत संगत इकट्ठी हैगी इहदे रोश विच, असीं गलबात करांगे उन्हां तों भी पुछांगे जानकारी लवांगे आखिर की मसला सी। मेरे साथ
क्योंकि बहुत वड्डा मसला है, दस्तार दी मसला है, कल्ले रुद्रपुर दा मसला नहीं हैगा, तुसी पूरी डिटेल दियो जो तुहाडे बिल्कुल मैं मौके ते ही बिल्कुल कोतवाली दे अंदर सी जिस समय इनू गड्डी जा बंद करके लिया गया और भी बंदे ने घेरा पा के इनू गड्डी खिड़की खोली, खिड़की खोलन तो बाद च मतलब उन्होंने मतलब उस तरीके ने मारिया मतलब डंडे भी उन्होंने दो जने टुट गए होने लेकिन मसला सानू ये पता नहीं लेकिन लैके तो बाहरों आए हैं। मैं तो मौके से अंदर सी गड्डी जिम्मे बंद करके लैके आए आ तो उस टाइम इन्होंने अंदर किया ठीक है पूछो तुम की पूछना चाह रहे हो जी की मसला सी की आखिरकार होया कि सारा डिटेल हैगी देखो जी अभी कहना चाहते हैं कि बहुत माड़ी घटना हुई है सिख कौम के नाल हमेशा धक्का होंदा है लेकिन इस तराई के अंदर इस उम्मीद नहीं सी कि साढ़े नाल आ दिन भी वेखने पैणगे
कि साढ़े नौजवानों दिया पगां ला के उन्होंने वालों तो फड़ के थाणियां के अंदर सड़कों के अंदर कुटिया जाएगा। यह उम्मीद सानू नहीं सी कि उत्तराखंड के अंदर साढ़े नाल इन्ना धक्का होएगा। अज धक्का हो रहा है, अज साडे अखां दे विचों हंदरों निकल रहे खालसा जी कि एक नौजवान वो अपनी गड्डी ट्रक ड्राइवर जरा सी ओनू सीपीओ की पहली घटना नहीं है। सीपीओ पिछले एक साल तो लगातार चौथी घटना है कि टारगेट करके सिख नौजवानों को कुटन का काम सामने खड़ा लड़का नौजवान छात्र संघ का इनू भजा भजा के कुटिया। तरनदीप साढ़े सामने खड़ा है। कई घटनावां हुई सीपीओ ने कानून हाथ च लिया है, सिख नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। उस घटना के तहत अज शाम एक नौजवान सीपीओ ने धक्का किया, धार्मिक गाली गलौच किया। जदों उस नौजवान ने विरोध किया तो उन्होंने गड्डी चो उतार के वो वालों तो खिंच के उन्होंने बदतमीजी की तो नौजवान कई घट्टो घट पांच छे सीपीओ वाले कुटन जो लग पाए और बदतमीजी की तो उस नौजवान ने हाथ चे फिर जो गुरु ने दी साड़ी तलवार उन्हें हाथ च कढ़ के उन्हें कहा भी आ जाओ। फिर जो वह भी सामने खड़ा हो गया अपनी आत्म रक्षा वास्ते, साड़ी तलवार साड़ी आत्म रक्षा वास्ते, जो वो तो विपदा आई आत्म रक्षा वास्ते तलवार वो लैके निकलिया। लेकिन घट्टो घट 40 तो 50 पुलिस वाले उन्होंने लगातार कुट रहे थे और मौके के उत्ते जो इनी गल हुई उस दौरान तमाम साडे जिहड़े मौके के नौजवान मौजूद से, शहर के जिम्मेदार लोग मौजूद से और कानून हाथ लेंदे हुए उसके उत्ते गोली चलाने का काम किया। साढ़े तीन नौजवानों को गोलियां भी लगियां ने, छर्रे वजे ने। मौके के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेड़ भी उत्थे पहुंचे, होर जिम्मेदार लोग सी। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी जिहड़े जिम्मेदार अफसर सन वो लगातार इस घटना अपने हाथ च लैके नौजवानों को कुट रहे सन, दुकानदारों को कुटिया, बदतमीजी की। यहोजी एड्डी वड्डी घटना तराई के अंदर घटी है। इस घटना लैके पूरे सिखा के अंदर रोष है। साडे सारी जथेबंदियां, सारिया धार्मिक संस्थावां और सारिया पोलीटिकल पार्टिया के नुमाइंदे इतने बैठे ने और साडी सीधी मंग है कि साडे नाल जिहड़ा जिहड़े अधिकारियों ने सिख कौम के प्रति गलत गलत शब्द बोले ने और उस नौजवान केस फड़ के उहदे नाल उहनू हनुंदे है, उहदी पग उतारी है और जिहड़े पुलिस वालियां ने गोली चलाई है उन्होंने उत्ते 307 का हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए है। और जड़े उन्होंने धार्मिक शब्दों की साढ़े नाल साढ़े आपत्ति की है उन्होंने उत्ते मुकदमा होएगा। असी तद इतों सिख संगत कोई उठन का फैसला लवेंगे। पूरा तराई का सिख भी अगर इकट्ठा करना पाया तो सवेरे लखा की संख्या के इस गुरद्वारा साहब तराई का सिख इकट्ठा होएगा। लेकिन जुलम और जाति किसी कीमत उत्ते बर्दाश्त नहीं होएगी। सानू कोई भी कार्रवाई, सानू जेल भी जाना पे, किसी मुकाम से भी कोई भी लड़ाई लड़नी पे, साडी सिख कौम अज इत्थे एकजुट है, गुरद्वारा साहब के मौजूद है। असी गुरद्वारा साहब गुरु ग्रंथ साहब हाजर नाजर जान के ये प्रण लैंदे हां कि किसी कीमत के उत्ते साडे उत्ते धक्का होया जान दे देंगे, लेकिन खालसा जी सिखा के उत्ते धक्का नहीं होन देंगे। सो संगत जी असी देख रहे हैं कि इत्थे हर पार्टी के जिहड़े नुमाइंदे मौजूद है, क्योंकि जो दस्तार की गल हुंदी है कोई पार्टीबाजी नहीं। असी देख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी आ सारे एक झंडे थले इकट्ठे होकर ये विरोध में जो साड़ी दस्तार ते हमला होया वह भी पुलिस प्रशासन वालों। सो उसके लिए बड़ा रोष है इत्थे दी संगत दे विच, संगत बहुत इकट्ठी हुई है। साढ़े कोल इस वेले गुरुद्वारा सिख सेंटर कमेटी हैगी है इत्थे जिहड़ी कि वख वख गुरुद्वारियां दी रहनुमाई की जाती है, बहुत वड्डी संस्था हैगी है। उन्होंने जिहड़े संगत जी जेड़ा जेड़ा शख्स मौके ते जो बंदा मौके ते मौजूद सीगा वो साढ़े कोल ऐसे जो संगत जी जो मौके ते मौजूद सी असीं उहदे नाल गलबात करदे हां। आखिर की मसला होया जी? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। मेरी साथ संगत जी सारी चुप हो जाओ। जेड़ा साढ़े भाई फड़िया इन्होंने पुलिस वालिया ने पहला इस तरीके होया कि इन्हें नो एंट्री च गड्डी पाई। सारे चुप कराओ, चुप कराओ, सारे शांत हो जाओ। उसने नो एंट्री च गड्डी पाई तो उन्होंने कहा कि असी तेरी गड्डी सीज करांगे। उन्हें कहा मेरे को सारे कागज ने,
जे मैं नो एंट्री से गड्डी पई तो मेरी गड्डी सीज ना करो, मेरे जिन्ना मर्जी कैश चलान होना चाहिए सारा मेरा चलान कर दो, मैं कोई फर्क नहीं पेगा। तो उन्होंने फड़ के उन्होंने पंद्रह सी पी ओ ने दस तो पंद्रह सी पी ओ ने थले लाया, तो थले नहीं लाए देते चाबी खोन दे चाबी उत्ते नहीं खो पाए। तो उस तो बाद दस्तार फड़ी दस्तार खिंची, दस्तार खिंचन तो बाद फिर वाल फड़े, वाल खिंचे वाल फड़ के उन्होंने थले लाया, थले लाण तो बाद फिर उन्हें उस चीज़ का इस चीज़ का विरोध किया। जब उन्हें विरोध किया सी पी ओ ने छड़ता, सी पी ओ ने छड़िया तो सी ए अपनी गड्डी लैके जो ड्राइवर से वो लैके गांधी पार्क के सामने आया, गांधी पार्क मोड़ से जो गांधी पार्क मोड़ के सामने आया उस तो बाद इन्हें कहा कि मेरी दस्तार मैंने लिया के दो उस तो बाद मैं हिलांगा नहीं। फिर ऐसा आया कि जो एस पी प्रमोद है कड़ा है जो क्राइम एस पी प्रमोद जोड़ा प्रमोद है वो आया, उन्हें कहा कि क्या बात हुई है, तो जोड़ा गन्ने से उन्हें पिछों की डंडा मारता उस ड्राइवर न, जो उन्हें डंडा मारिया तो उस तो बाद फिर उस तो बाद मतलब लाठीचार्ज हो गई, जो लाठीचार्ज हुई उस तो बाद उसके पैरों से गोलियां भी चलाई गई, पैर से गोली चलाई, पैर से लगी नहीं जो हाथ से वजी, हाथ से शर्रा वजिया। सो संगत जी आप जी देख रहे हो कि संगत एक बहुत रोश है भाई साहब जी, साढ़े को एक वीर है बड़ा रोश है।